नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का कुछ ट्रांसफर अपडेट और रूमर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बेकार सा रूमर्स के बारे में जो जुड़ी है भाई निको भेलेज से। तो निको भेलेज के बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने साफ साफ बता दिया था कि निको भेलेज का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में वापस आने का कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि भाई निको भेलेज मलेशियन सुपर लीग का एक क्लब फेल्डा यूनाइटेड में साइनिंग कर चुका है और उस क्लब के लिए उन्होंने इस सीजन में 5 मैचेस भी खेला है। तो मैंने तो पहले ही वीडियो बनाकर आप लोगों को यह बात बता दिया था कि निको भेलेज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में वापस नहीं आएंगे, लेकिन भाई फिर भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन पर यह बात बताते हो कि निको भेलेज एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आने वाले है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक बार फिर से निको भेलेज को साइनिंग करने वाले है, जो एक बेकार सा रूमर्स है। तो भाई ऐसे फालतू रूमर्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि भाई निको भेलेज आईएसएल सीजन 6 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में नहीं आने वाले हैं। तो भाई निको भेलेज के बारे में अगर आपने हमारे चैनल पर यह वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का दिमाग में निको भेलेज के बारे में जो भी चलने लगा है ना, वो क्लियर हो जाएगा। तो भाई जल्दी से जाकर वीडियो को देख लीजिए। और आप बात कर लेते हैं भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का एक ट्रांसफर न्यूज के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी साइन करने वाले हैं एक नाइजेरियन स्ट्राइकर को जिसका नाम है भाई पैट्रिक ओकनकाओ। तो पैट्रिक ओकनकाओ एक नाइजेरियन सेंटर फॉरवर्ड है और उनका एज है भाई 21। इन्होंने अपना क्लब कैरियर में यूएस चैंपियनशिप में चार्लेस्टन बैटरी और अटलांटा यूनाइटेड का बी टीम के तरफ से खेला है और इसके अलावा इन्होंने एमएलएस में भी अटलांटा यूनाइटेड के तरफ से खेला है। तो भाई पैट्रिक ओकनकाओ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ और इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं आया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगर पैट्रिक को ऑफिशियली साइनिंग कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।